थैंक यू श्रेया दीदी। थैंक यू मोनिका मासी। थैंक यू वंशिका दीदी। नमस्कार सानी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मुझसे पहले श्रेया वाली दीदी ने आप ये सेशन लिया था और आपने जो उन्हें प्यार और ब्लेसिंग्स दी, आई होप कि आज आप इस सेशन में मुझे भी वैसे ही देंगे। और काफ़ी तो लोग आ रहे हैं अभी, और आपको अष्टमी का मुबारक। थैंक यू नीनू मासी। थैंक यू श्रेया दीदी। तो इस मौके पे हम सब लोग पहले वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद माता उन भजन। अस्करो माताए अर्जी, दिव्य माताए सरणी संकट काय से। सो आई विल बी सिंगिंग अर्जी मैनपेट गोरकर भवानी। ये जो भजन है ये मेरे दादाजी ने लिखा है। होप यू ऑल लाइक इट।
थैंक यू सो मच वंशिका दीदी, थैंक यू सो मच पपली मासी, थैंक यू सो मच सन्नत, थैंक यू सो मच संजय अंकल। तो ये कमेंट्स तो चलते रहेंगे। सो मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें कुछ लाइंस थी जो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। उन लाइंस में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, उनके सामने एक दीवार थी तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखें कि जब मैं दुख में पढ़ूँ तो मुझे खुशी हो और जब मैं खुशी में पढ़ूँ तो मुझे दुख हो। तो जो कृष्ण थे उन्होंने दीवार पर लिखा कि ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा। मुझे लगा ये आजकल की सिचुएशन से बहुत रिलेटेबल है और हमें पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कोरोना वायरस का ये जो है वो ये चल हट जाएगा। और अब मैं एक हिंदी गाना गाना चाहूँगी कुमार सानू जी का। ये जो गाना है मैं सारे डॉक्टर्स नर्सेस और जितने भी लोग हैं जो कोरोना वायरस से मतलब फाइट कर रहे हैं तो उनको डेडिकेट करना चाहूँगी। इसकी जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन जो हॉलीवुड सॉन्ग से निकाली गई है 500 miles, मैं उसका भी थोड़ा सा टच इसमें डालना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू अशोक अंकल। सो Oh,
थैंक यू दीप्ति मासी, थैंक यू नील, थैंक यू नीता रैना जी, थैंक यू नीनू मासी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजय अंकल, अब हम लोग लाइव सेशन को एक कश्मीरी गाने से एंड करते हैं। आप सब लोगों ने गाना सुना होगा, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सिंग इट विद मी। तेरे लिए हम लोग गोला बोलो, तेरे लिए
थैंक यू दीप्ति मासी। थैंक यू सो मच वंशिका दीदी, आपसे देखकर सीखा है। थैंक यू सो मच वैष्णवी। तो थैंक यू सो मच गौतम सर, इट सच्ची इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि आपसे वंशिका दी से मैंने सब कुछ सीखा है। मुझे एक डांसर को परफॉर्म सिंगिंग करने का मौका मिला है, थैंक यू सो मच। और अब मैं अपना लाइव सेशन एंड करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी। एक शायरी है और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मैसेज है आप सब लोगों के लिए, होप आपको ये मैसेज समझ आए। घूम फिर के न कत्लेआम करें, घूम फिर के न कत्लेआम करें, जहाँ है वही कायम करें, जहाँ है वही कायम करें। अब आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन, और आप लोग कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज मेरे बाद सनत कोल आने वाली है, और उसके बाद जो हमारा आज का स्पेशल है, अष्टमी स्पेशल, वो होगा गौतम जी हमारे साथ भजन संध्या करेंगे। एंड डोंट लीव, जस्ट स्टे हेयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।